नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मोबाइल नेटवर्क के मामले में आज रिलायंस जियो का कोई तोड़ नहीं है। बात चाहे नेटवर्क की करें या फिर प्लान्स की, जियो हर क्षेत्र में बाकी कंपनियों से आगे ही नजर आता है। लेकिन अब जियो के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। खबर के मुताबिक रिलायंस जियो ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर भारत में 5G नेटवर्क की सफलतापूर्वक टेस्टिंग पूरी कर ली है। और इस खुशखबरी की घोषणा दोनों कंपनियों ने 20 अक्टूबर को अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में की। जियो की इस खबर के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही भारत में जियो के ग्राहकों को 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने वाली है। खबर के मुताबिक जियो और क्वालकॉम ने घोषणा की है कि उन्होंने 5G NR Solutions और क्वालकॉम 5G RAN प्लेटफॉर्म पर 1 Gbps से ज्यादा स्पीड हासिल कर ली है। और ये खबर भारत में 5G की स्पीड को चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वैसे अगर 5G की बात करें तो इस वक्त दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर 5G की स्पीड लोगों तक पहुंच चुकी है, और वो देश हैं अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। इन सभी देशों में ग्राहकों को 5G 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है। आपको बता दें, इस बड़ी जानकारी को देते वक्त रिलायंस जियो की तरफ से कहा गया, क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। आने वाले दिनों में भारत में यूजर्स 1 Gbps तक की स्पीड का मजा ले पाएंगे। देश में 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद ग्राहकों को तेज हाई स्पीड डेटा का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको बता दें, क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए निवेश किया हुआ है। साथ ही टेक्नोलॉजी के मामले में भी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में वायरलेस टेक्नोलॉजीज इनोवेटर मामले में सबसे ऊपर मानी जाती है। वैसे भारत में 5G के मिशन को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी कह चुके हैं कि क्वालकॉम के साथ मिलकर जियो 5G विजन पर काम करेगी और भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग देगी। लेकिन अब जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उसे देखकर लगता है कि मुकेश अंबानी का भारत को 5G बनाने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, आपका जियो की इस कामयाबी पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।